Okay, so today we are going to do the story of an art, ठीक है, by Kate Chopin. ये story बहुत interesting है, बहुत लोग बहुत मजा आएगा story में, और खास करके Indian women लोगों को बहुत मजा आएगा story, क्योंकि कहीं ना कहीं dedicated to Indian women का जो sentiments है. अच्छा यार, कितनी बार क्या होता है ना कि हम लोग इंडिया में क्या होता है, because divorce is not a very easy option. हमारे इंडिया में divorce को एकदम taboo माना जाता है, and generally the girls they don't have a choice. या similarly for boys also, एक बार शादी हो जाता है तो हम लोग divorce को बहुत गलत चीज मानते हैं. खाली एक्सेप्शनल केसेस में डिवोर्स होता है ऑल द वर्ल्ड अराउंड, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता तुम लोग को कि हम लोग के पास भी चॉइस होना चाहिए. वंस यू गेट मैरिड, अगर आपको अपना पार्टनर सपोज कर लो 50% ठीक लगता है और 50% नहीं ठीक लगता, तो देयर शुड बी अ चॉइस कि हम शायद उसको छोड़ के अपना लाइफ अलग कर सके. लेकिन बहुत जन क्या होता है ना, दे गेट ट्रैप्ड इनटू मैरिजेस, है ना. बोथ केस हो सकता है, हस्बैंड इज आल्सो ट्रैप्ड इन अ मैरिज, लाइक वर्स वाइफ भी हो सकता है कि मैरिज में ट्रैप्ड, और हम लोग ऐसा सोशल टैबू हो गया कि हम लोग उस मैरिज के इंस्टीट्यूशन से बाहर नहीं आ पाएंगे. तो ये एक जो स्टोरी का नाम है द स्टोरी ऑफ एन आर, माने एक घंटा का कहानी, एक घंटा में कैसे एक औरत का लाइफ एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है. इसमें एक हाउस वाइफ है, तो जो हाउस वाइफ है शी इज नॉट वेरी हैप्पीली मैरिड, अपन बोल सकते हैं कि वो वैसे हैप्पीली मैरिड नहीं है. और अचानक क्या होता है, आई एम गिविंग यू जस्ट समरी बता रहा हूं, फिर आई विल रीड द होल चैप्टर, ठीक है. तो वो जो हाउस वाइफ है सी इज कहीं ना कहीं वो अपने मैरिज से बहुत कुछ खुश नहीं है, बहुत डिप्रेस रहती है. तो उसको हार्ट डिजीज हो गया, सी इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट का उसका डिजीज है. एक बार अचानक क्या होता है, उसका हस्बैंड कहीं बाहर जाता है काम से, तो ऐसा खबर आता है कि वो जिस बस से या जिस भी चीज से ट्रैवल कर रहा था, कन्वेयंस से, किससे, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, जो भी व्हाटएवर, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है उस एक्सीडेंट में. और उसका न्यूज कन्फर्म भी उसका फ्रेंड ही करता है. तो जब वो न्यूज उसके घर में आता है, उसका फ्रेंड का डेथ का न्यूज आता है, तो अब ये इंटरेस्टिंग है कि उस लेडी का, उसकी वाइफ का क्या रिएक्शन होता है, वो हम लोग स्टोरी में देखना चाहेंगे. हमें मूवी की तरह कर दिए, अगर देखना है तो पूरा स्टोरी सुनिए. तो जब उसके हस्बैंड का जब वो आता है न्यूज आता है, तो उसकी वाइफ का क्या रिएक्शन होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. बेसिक वाला चैप्टर नहीं है, टू पेजेस थ्री पेजेस का चैप्टर है, तो आई विल रीड इट, ओके. द नोइंग दैट मिसेस मलार्ड वाज एफ्लिक्टेड विद अ हार्ट ट्रबल, great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. माने जब हम लोग को ये पता है कि जो मिसेस मलार्ड है, जिनका नाम एक्चुअली लुईस होता है, ठीक है, तो जो वो उनको हार्ट ट्रबल है, तो जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके घर वाले नियर एंड डियर वंस है, वो बहुत आस्ते आस्ते उसको बता रहे हैं. माने दे डोंट वांट टू टेल ऑल ऑफ अ सडन कि आपका हस्बैंड का डेथ हो गया. उनको डर है कि अगर हम ऑल ऑफ अ सडन बताएंगे तो ये मर जाएंगे. ऐसा होता है ना, हम लोग घर के सीरियस को या जो बीमार होते हैं उनको डायरेक्टली कोई बैड न्यूज देते नहीं हम लोग, तो बहुत आस्ते आस्ते पूरा एक तो माहौल बनाया जाता है, फिर आस्ते आस्ते बोला जाता है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है कि हम लोग सबको पता था कि मिसेस मलार्ड जो है शी वाज एफ्लिक्टेड विद अ हार्ट डिजीज, तो उनको बहुत आस्ते से खबर देना है कि आपके हस्बैंड का डेथ हो गया है. इट वॉज अ सिस्टर जोसेफीन, जोसेफीन उनकी सिस्टर थी, उनको बोला गया, उनको टास्क दिया गया कि आप बताओगे हु टोल्ड हर. तो जोसेफीन जनरली बहन बहन से बात कर लेती है, बहन को पता है कैसे बहन से बात करना, ठीक है. तो इन ब्रोकन सेंटेंसेस, और वो भी उसको आस्ते आस्ते ब्रोकन सेंटेंसेस उसको वो इंफॉर्मेशन दे रही है. वील्ड हिंट्स, वील्ड मतलब हो गया हिंट, वील्ड मतलब होता है छुपाना, जैसे वील्ड माने होता है पर्दा. तो उन्होंने हिंट्स को आस्ते आस्ते वील्ड किया, पता है क्या हुआ, होता है ना ऐसा कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो एक्चुअली ना इस तरह से अपन करते हैं ना बात, तो आस्ते आस्ते करके वो हिंट्स उसको दे रही है. That revealed in half concealing. देखो कितना अच्छा वर्ड यूज किया, revealed in half concealing. माने आधा छुपा के सच बोला गया है, ठीक है. Her husband's friend Richard was also there too. और उसके हस्बैंड का एक फ्रेंड था जिसका नाम था रिचर्ड, वो भी वहां पे खड़ा हुआ था. क्यों? इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाएगा, और ऑब्वियसली फ्रेंड है तो वो माने सारा सिचुएशन के लिए वो भी खड़ा था. दो जन खड़े थे, कौन कौन, जोसेफीन और रिचर्ड, was there too near her. It was he who had been in the newspaper office when intelligence of the railroad disaster, railroad obviously rail से हुआ, railroad disaster was received. अब उस जो रिचर्ड है ना, वो by chance किसी, क्या नाम है तुम्हारा, उसमें ही काम करता था, प्रेस में, रिपोर्ट माने न्यूज़पेपर में काम करता था, तो उसके पास तो ज्यादा अच्छा खबर होगा और ज्यादा माने जो खबर होगा ज्यादा प्रिसाइज होगा, ज्यादा एग्जैक्ट होगा, ठीक है. ऑफिस when intelligence of the railroad disaster was received, with Brently Mallard's name leading the list of killed. बहुत जन अगर फाकी मार रहे हो ना, तो मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा यार, रखना तुम लोग को भी बोल रहा हूँ, यूट्यूबर्स को भी बोल रहे हो, बहुत जन जो लाइक करके भाग जाते हैं ना उनको भी पकड़ लूंगा, और तुम लोग दोनों को भी बोल रहा हूँ टाइम पास मत करो, ठीक है. डोंट थिंक वीडियो बन रहा तो मैं पूछूंगा नहीं, अपना चिट चैट बंद करो और यहाँ आ जाओ. क्या नाम था उसके हस्बैंड का, जैसे पूछा सेम क्वेश्चन,
सेव टू सेव, वाह क्या स्मार्ट बॉय है। ठीक है, तो क्या नाम था उसका हस्बैंड का? ब्रेंटली मलाड। और सबसे टॉप में किसका नाम लिखा हुआ है? ब्रेंटली मलाड डाइड, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, he had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram. लेकिन वो हड़बड़ी नहीं किया, क्या क्या वो हड़बड़ी नहीं किया, वो वेट कर रहा था कि सेकंड कंफर्मेशन मिलेगी। तो उसने दो बार चेक किया, ट्वाइस चेक किया कि न्यूज गलत नहीं होना चाहिए, और वो कर भी सकता था क्योंकि वो उसी प्रोफेशन में था, उसके लिए इजी था। एंड हैड हैसल्ड टू फॉस्टर एनी लेस केयरफुल लेस टेंडर फ्रेंड इन बियरिंग द सेंट मैसेज। तो वो बेचारा बहुत ज्यादा उसने क्या नाम है प्रिकॉशन लिया कि गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन एंड में फिर से गलती हो गई। एनीवेज, सी डिड नॉट हियर द स्टोरी एज मेनी वुमेन हैव हर्ड द सेम। अब यहां पे बता रहा हूं उसकी वाइफ के बारे में, जनरली क्या रिएक्शन होना चाहिए? किसी को बोले ए, तेरा हस्बैंड मर गया, क्या रिएक्शन होगा? बहुत सारा रिएक्शन तो अजीब नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई तो एकदम बेहोशी हो जाएगा ना, सुनकर क्या पागल है, क्या पकड़ा है ये वो एंटेन है कि नहीं। और बहुत जन क्या हो जाएगा कि अजीब, तुम इमेजिन करो कैसा कैसा रिएक्शन होगा। ठीक है, इमेजिन कर रहे थे हमारा इंडिया में तो एक से होता है। ठीक है, बट इट इज अ सैड न्यूज़ ऑब्वियसली, मजाक नहीं होना चाहिए, इट्स जस्ट फन। ठीक है, सो सी डिड नॉट हियर द स्टोरी एज मेनी वुमेन हैव हर्ड द सेम विद अ पैरालाइज्ड इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सिग्निफिकेंस। बहुत सी लेडीज लोग क्या होती है, सुन हो जाते हैं, बहुत सारे लेडीज का जेंट्स जो भी है दुख का खबर सुन के सुन रहता है, बहुत रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि दे आर नॉट रेडी फॉर एनी, उन लोग एक सेकंड के अंदर पूरा जीवन घूम जाता है दिमाग में, है कि नहीं। सी वेब, लेकिन वो क्या थी, वो एक मैंने बहुत जल्दी यहाँ पे बुक में क्या बोल रहा है असल में, बिकॉज दिस इज नॉट इंडियन, तो वो लोग क्या बोल रहा है जनरली, वो लोग क्या होता है फॉरेन कंट्रीज में अगर डेथ का न्यूज आता है तो वहां के लोग शांत हो जाते हैं, वो पैरालाइज हो जाते हैं, वो पहले इट टेक टाइम्स टू उनको क्या नाम है अंदर उसको न्यूज को लेने के लिए, फिर उनको टाइम लगता है ना, उनका पहला रिएक्शन क्या होता है डेथ कांड, सब चुप हो जाते हैं। हमारे इंडिया का रिएक्शन अलग है, हम लोग तो सीधे चिल्लाते हैं लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ये तो न्यूज सुनने के साथ ही रो गई। कौन रो गई? लुइस, मिसेस मलाट सुनने के साथ ही रो गई। दैट मींस कहीं ना कहीं हम लोग को बता रहा है कि सी इज कंसर्न, उसका हस्बैंड मर गया, वो बहुत दुखी है और वो न्यूज सुनने के साथ ही रोने लगी। सी वेप्ट एट वंस With sudden wild abandonment in her sister's arm, पूरा अपनी बहन के हाथ में रखते एकदम से हगिंग करते हुए बहुत जोरदार से रोना चालू हो गया। When the storm of grief had spent itself, she went away to her room alone. और जब एक बार वो जो अंदर का जो एक बार जो निकला भड़ास, जब वो खत्म हो गया तो वापस अपने रूम में चली गई अकेली, मैंने उसकी सिस्टर नहीं गई, वो ऊपर रूम में जाकर बैठ गई। ठीक है, she would have no one follow her. उसने बोला मुझे कोई फॉलो नहीं करेगा, आई वॉन्ट पीस, मैं अकेला रहना चाहती हूँ, प्लीज लेट मी अलोन। अब क्या हो रहा है, अब वो जाके अपने जो रूम है तो वहां पे खिड़की है, खिड़की के सामने ऐसे एक तो चेयर पे ऐसे करके आम चेयर पे ऐसे करके बैठ गई और सामने का व्यू देख रही है, शी इज एक्चुअली वाचिंग इन अमेजमेंट, पूरा नेचर को देख रही है। ठीक है, देयर स्टूड फेसिंग द ओपन विंडो, पूरा ओपन विंडो को फेस करके बैठ गई, अब कंफर्टेबली रूमी आम चेयर, और किसमें बैठ गई, एक आम चेयर में, यू नो व्हाट काइंड ऑफ आर्म चेयर, इस तरह का होता है ना कंफर्टेबली, और वो एकदम लाइक मैंने जैसा होता है ना कभी कभी आदमी कहां देख रहा है बस हवासी में, उसको पता ही नहीं कहां देख रहा हूं मैं, तो वो एकदम एस्टॉनिशमेंट में खाली ऐसे नेचुरली बाहर की तरफ देख रही है। ठीक है, इनटू दिस शी सैंक प्रेस्ड डाउन बाय अ फिजिकल एग्जॉशन दैट हॉन्टेड हर बॉडी एंड सीम टू रीच इनटू हर सोल। और वो क्योंकि देखो रोना, रोने से भी हम लोग को तकलीफ होता है, अगर हम बहुत जोर से रोए तो उसके बाद हमारा बॉडी एग्जॉस्टेड हो जाता है, हम लोग का बॉडी समझ थक जाता है, बहुत ज्यादा रोने के बाद भी थक जाता है, बच्चे क्या करते हैं रोते रोते सो जाते हैं, है ना बच्चे, और बड़े लोग का भी यही है, बहुत ज्यादा जैसे एग्जाम में फेल हो जाता है, तुम लोगों को पता ही होगा किसी उसका एक्सपीरियंस है फेल हो गया रोने का, किसी का नहीं, खाली पेरेंट्स ही होते हैं तुम लोग के। खैर एनीवेज, जब रिजल्ट खराब होता है या कुछ हम लोग के साथ अच्छा नहीं होता है तो क्या करते हैं, रोते रोते हम लोग एकदम एग्जॉस्टेड फील करके, मैंने ऐसे होता ना अब कुछ रहा नहीं गया लाइफ में, लाइफ खत्म हो गई, तो वो भी एकदम वेग वेन वर्ल्ड में, एकदम एंटी वर्ल्ड में देख रही थी ऐसे करके, एकदम चली गई अपने किस वर्ल्ड में चली गई पता ही नहीं। ठीक है, She could see in the open square before her eyes the tops of the tree. अब बैठे-बैठे सबसे पहले इसको क्या दिख रहा है? Top of the tree. पहले पेड़ का, उसको पेड़ दिख रहे हैं उसको. That way all acquired with the new spring life. और माने वो जो पेड़ थे, वो सब झूम रहे थे क्योंकि अभी नया spring आया. Spring you know, माने spring का season आया, तो पेड़ों में फूल लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए पूरे, और हवा से वो पेड़ हिल रहे हैं. It is a sign of spring. साइन ऑफ स्प्रिंग तो है, लेकिन बट लेकिन जब वो शेप करते हैं तो अच्छा क्या साइन होता है, अच्छा साइन, हैप्पी साइन है कि दे आर एंजॉयिंग देमसेल्फ, तो पेड़ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज नया स्प्रिंग आया हुआ है, तो हैप्पी साइन है। ठीक है,
विंटर्स जो है जनरली पोएट लोग यूज करते हैं, राइटर्स जब विंटर बताते हैं, ऑटम बताते हैं तो मैंने दुख बताते हैं, लेकिन जब स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं तो एक्सटेसी जॉय हैप्पीनेस का बात करते हैं। तो स्प्रिंग में वो पेड़ हिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखा रहा है, राइटर जो है वो पॉजिटिव दिखाने का कोशिश कर रहा है। द डिलीशियस ब्रेथ ऑफ रेन वॉज इन द एयर, और बारिश की सुगंध आ रही है, बारिश की सुगंध बहुत अच्छी होती है, नया नया स्प्रिंग है, बारिश की सुगंध, अगेन अ पॉजिटिव साइन, माने लाइफ दिख रही है। ये दुखी है लेकिन बाहर वर्ल्ड में लाइफ दिख रहा है, पेड़ हिल रहे हैं, बारिश की खुशबू आ रही है। इन द स्ट्रीट बिलो अ पेडलर वाज क्राइंग हिज वेयर्स, नीचे एक आदमी अपना सामान बेच रहा है, बर्तन ये ले लो वो ले लो वो ना चला, माने वो भी लाइफ है, माने लाइफ इज गोइंग ऑन। द नोट्स ऑफ डिस्टेंट सॉन्ग व्हिच समवन वाज सिंगिंग रीच्ड हर फेंटली, और कहीं कोई आदमी गाना गा रहा था, ठीक है, वो शराबी क्या शराब, तो वो भी उसके कान में आ रहा आस्ते आस्ते, कहीं ना कहीं से उसको वो भी सुन रहा है, ठीक है। एंड काउंटलेस स्पैरोज वेर ट्विटरिंग इन द केव्स, और चिड़ियों को चहकने का आवाज भी आ रहा है। ऑल साइन ऑफ पॉजिटिविटी, ऑल साइन ऑफ हैप्पीनेस, कोई गाना गा रहा है, चिड़िया चहक रही है, पेड़ झूम रहे हैं, आदमी अपना काम कर रहा है, ये दुखी है लेकिन वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, और इसको जो भी दिख रहा है ना, देखो एक बात मैं तो बताऊं ना, जब हम लोग दुखी होते हैं ना तो हम लोग को सब गलत ही दिखता है ना, पेड़ हमको टूटे हुए दिखेंगे, कुत्ता हमको मरा हुआ दिखेगा, ठीक है, ऐसा हम लोग होता है ना, गाने भी हम लोग दुखी वाले सुनेंगे, अच्छे वाले गाने से इरिटेट हो जाते हैं हम लोग, तो तुम देखेगा ना कहीं तुम दुखी है ना, तुमको कहीं ना कहीं मोहम्मद रफी भी सुन जाएगा तुमको, लेकिन एआर रहमान नहीं सुनेगा, मोहम्मद रफी सुनेगा। और जब तुम अच्छे मूड में होते हो तो हमको मोहम्मद रफी नहीं सुनता, एआर रहमान सुनता है, हम लोग का मेंटल ऐसा ही है, जब हमको पॉजिटिविटी होता है ना तो हर चीज में पॉजिटिव दिख रहा है, जैसे पेड़ भी अगर हिल रहा है ना तो हम लोग जब हम दुखी होंगे तो क्या इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, देखो इस बेचारे को भी किसी ने हिला दिया, शांति से खड़ा होने नहीं दिया इसको, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था, और जब हम लोग खुश होंगे तो देखो पेड़ कितना नाच रहा है, तो हम लोग का जो इंटरप्रिटेशन है वो भी चेंज होता है। लेकिन यहां पर देखो कितना स्टाइल से राइटर ने इंटरप्रिटेशन क्या किया है कि वो दुखी है लेकिन उसको सब जगह लाइफ और पॉजिटिविटी दिख रहा है। There were patches of blue sky showing here and there through the clouds that had met and piled one above the other in the west facing her window, और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बादल भी, ब्लू स्काई भी दिख रहा है, कुछ बादल हैं जो एक दूसरे के ऊपर है लेकिन ओपनली क्लियर बादल है, अगेन अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी। She sat with the head thrown back upon the cushion of the chair. उसने क्या किया? पीछे कुशन लिया और अपना आराम से कुशन पर रख के ऐसे माथा रख के वो सामने देखने लगे। Quite motionless, except when a sob came into her throat. वह चुपचाप से बैठी है, लेकिन अचानक याद आ रहा हस्बैंड का, तो थोड़ा सा एक सॉब भी उसका आ रहा है। मैंने एक टोक अंदर से होता है ना, फेल हो गई, पापा रात को मारेंगे, ठीक है, तो एक टोक सॉब भी अंदर से आ रहा है। She came up with her throat and shook her as a child who has cried itself to sleep continuous to sob in its dream. तो जैसे बच्चे होते हैं ना, रोने के बाद एकदम रोते रोते सो जाते हैं और फिर अचानक उनको सपने में आता है कि नहीं मिला गेम, पापा ने वीडियो गेम नहीं लाया, तो फिर सपने में भी रोते हो, तो अचानक ऐसे सपने में उठ गए, ऐसे होता है अचानक से उठते सपने में नहीं आया मेरा वीडियो गेम, तो वैसे ये भी बेचारे एकदम मोशनलेस है, लेकिन अचानक वो शॉक, वो दुख तो है, वो चीज बार बार उभर के आ रहा है। अब उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, सी वॉज यंग, सबसे पहला बात क्या है, वो यंग, ठीक है, विद अ फेयर काम फेस, सुंदर भी है, ठीक है, काम फेस है, हुज लाइन बी स्पोक रिप्रेशन एंड इवन अ सर्टेन स्ट्रेंथ, लेकिन उसका चेहरा ऐसा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको दबाया गया है, कहीं ना कहीं उसके लाइफ में कोई है जो उसको दबा के रखा हुआ है, रिप्रेशन है उसके लाइफ में, ठीक है, और उसके चेहरे पर लेकिन स्ट्रेंथ भी है, माने दबी हुई है लेकिन शी कैन फाइट बैक, देयर इज अ चांस दैट शी कैन टेक द लाइफ इन हर ओन हैंड, ठीक है। But now there was a dull stare in her eyes, और उसका आँख में एकदम dull stare, माने dull stare मतलब हो गया उसको पता नहीं कहाँ देखना है, वो एकदम oblivion में देख रही है, कहीं पर भी वो देख रही है, उसको पता नहीं कहाँ देखना है। Whose gaze was fixed away of yonder on one of those patches of blue sky, और उसने वो yonder का मतलब क्या होता है, yonder हम लोग ने पढ़ा है Chief Seattle में भी, किसी को याद है Chief Seattle पढ़ा है, yonder sky first word, yonder मतलब far off sky, तो वो ऐसे लेटी लेटी वो दूर बादल को देख रही है, नीला बादल को, patches of the blue sky, ठीक है? It was not a glance of reflection, but rather indicated a suspension of intelligent thought. और बादल को देखते देखते उसको क्या समझ में आ रहा है? बादल को देखते वो दुखी नहीं हो रही है, बादल को देखते उसको आइडिया आ रहा है, नीला आसमान, नीला आसमान सो गया, गाना आ रहा है उसको, ठीक है? There was something coming to her, उसके दिल में कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, ठीक है? And she was waiting for it fearfully. और वो जो थॉट है ना, एक्चुअली विकेट थॉट है, माने इस टाइम में वो जो थॉट है, फॉर एग्जांपल किसी लड़का का ऐसा बोलना नहीं चाहिए, किसी लड़का का पापा का डेथ का खबर आ रहा है,
तो पहले तो बेटा बहुत घबरा गया कि मेरे पापा का डेथ हो गया, मेरा क्या होगा। फिर बाद में याद आया प्रॉपर्टी तो मेरी है भाई अब, है ना, पिताजी चले गए, अब गल्ला मेरा, दुकान मेरी, कैश बॉक्स मेरा, है कि नहीं। तो अचानक क्या हो रहा है, बैठे बैठे जब वो ऑब्वियसली दुख का माहौल है, इमेजिन करो दुख का माहौल है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो थॉट आ रहा है मन में, कल से सारा काउंटर मेरा, कल से सब कुछ मेरा, प्रॉपर्टी मेरी, वो गाड़ी पापा की वो भी मेरी। अच्छा सोचो कैसा इमेजिनेशन होता है, कहीं तो दुख हो रहा है पापा, मेरे पापा चले गए यार, बहुत डेंजर वाला बात है, लेकिन मतलब पापा की मुंह से पापा ने हाथ लगाने नहीं दी थी, तो वो विकेट थॉट जो है वो भी उसके मन में आ रहा है। तो सिमिलरली उस लेडी के संग भी वही थॉट आ रहा है, एक तो थॉट क्या है कि उसका हस्बैंड डेड, लेकिन उसका एक और थॉट मन में आ रहा है, और जो थॉट आ रहा है ना बहुत विकेट थॉट है, लेकिन वो उसको रोक के रखी हुई है कि वो उसको टेक ओवर नहीं कर ले वो थॉट, है ना। सपोज करो अगर लड़का ऐसे लड़का का डेड का कुछ हो जाए और वो अचानक सोचते ऐसे करे यस, तो क्या होगा सबको है ना, आदमी को लेके जा रहे पापा को, अचानक उसके मन में वो सिटीज कल से मिला और उसके एक्सप्रेशन अगर ऐसे आ जाए यस, तो क्या इमेजिनेशन होगा, सब उसको पकड़ के मारेंगे ना, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है। लेकिन जो भी है तो उसको भी वो थॉट आ रहा है, ठीक है। बट सी डिड नॉट नो इट वॉज टू सटल एंड इल्यूसिव टू नेम, बट सी फेल्ट इट, लेकिन वो थॉट आ रहा है, क्रीपिंग आउट ऑफ द स्काई, रीचिंग टू वर्ड्स हर थ्रू द साउंड द सेंस द कलर दैट फिल्ड द एयर। और वो जो थॉट जो आसमान से चालू हुआ है ना, वो आस्ते आस्ते जो कलर है, जो पॉजिटिविटी है, किसी का गाना, किसी का आवाज लगाना, उस सबसे वो उसको कोई ना कोई इंडिकेशन आ रहा है कि भाई तुम अब फ्री होने वाली है, ठीक है। Now her bosom rose and fell tumultuously. She was beginning to recognize this thing that was approaching to possess her. उसको अब समझ में आने लग रहा है कि वो thought क्या है और क्या होने वाला है, माने कहीं ना कहीं ecstasy, कहीं ना कहीं joy उसके अंदर आने वाला है। And she was striving to beat it back with her will. और वो बार बार चुप ऐसे नहीं करते, दुखी हूं मैं, दुख है, हस्बैंड मर गया तो क्या होगा, दुख है, मर्सिडीज बाद में, अभी तो रोना भी पड़ेगा, वो सब भी थॉट आता ना, अभी तो 13 दिन यार, 13 दिन लगेगा, 12 दिन सब आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, सबसे गले मिल कर रोना पड़ेगा, बार बार रोना पड़ेगा, लेकिन मन में 12 दिन के बाद, 12 दिन के बाद क्या होगा है कि नहीं। तो उसको अपना जो खुशी है उसको दबा के रखी हुई है, ठीक है। एज पावरलेस एज हर टू वाइट स्लेंडर हैंड्स वुड हैव बीन व्हेन शी अबैंडन्ड हरसेल्फ अ लिटिल विस्पर वर्ड एस्केप्ड हर स्लाइटेस्ट पार्टेड लिप्स। लेकिन जब ये थॉट कुछ ज्यादा एक्सेस हो गया तो उसका जो मुंह से ना एक वो वर्ड निकला, शी रेड इट ओवर ओवर अंडर हर ब्रेथ। वो क्या बोल रही, चुपचाप से उसके मुंह से क्या निकल रहा है, फ्री फ्री, पति का हो गया बर्थडे, आई एम फ्री, अब मैं आजाद हूं। स्टार्टिंग में बोला था कि उसको हार्ट डिजीज है, क्यों, क्योंकि उसको शी वाज नॉट वेरी हैप्पी विद हर लाइफ, तो कहीं ना कहीं इतना सोचने में उसके क्या लग रहा है, अब मैं फ्री हो गई, तो उसके मन से क्या लग रहा है, फ्री फ्री फ्री, एट लास्ट आई एम फ्री। द वेकेंट स्टेयर एंड द लुक ऑफ टेरर दैट हैड फॉलोड इट वेंट फ्रॉम हर आईज, दे स्टेड कीन एंड ब्राइट। अब जो डर था वो खत्म हो जा रहा है, और नया थॉट क्या दिमाग में आ रहा है कि अब मैं फ्री हूं, ठीक है। हर पल्सेस बीट फास्ट एंड द कर्सिंग ब्लड वॉर्म एंड रिलैक्स्ड एवरी इंच ऑफ हर बॉडी, ठीक है, कोसिंग ब्लड। तो आप उसके ब्लड जो उसका जो माने उसका जो जो खून है जो उसके पूरे बॉडी में घूम रहा है, वो उसको गर्म करके माने कीपिंग हर वार्म, शांत रख रहा है उसको, लेकिन उसके दिमाग में अब क्या थॉट टेक ओवर कर गया कि ठीक है दुख का बात है, बट लेकिन इस दुख के बाद क्या है, आशा है, इस दुख के बाद क्या है, फ्रीडम है। सी डिड नॉट स्टॉप टू आस्क इफ इट वेयर और वेयर नॉट अ मॉन्स्ट्रस जॉय दैट हेल्ड हर। उसको क्या लग रहा है, एक मॉन्स्ट्रस जॉय, माने उसके अंदर बहुत खुश है कि चलो यार आजादी मिला, लेकिन वो उसको रोक के रखी है, अभी राइट टाइम नहीं है बेटा, अभी नहीं करना, अभी यस नहीं करना, ठीक है। अ क्लियर एंड एग्जॉल्टेड परसेप्शन एनेबल्ड हर टू डिसमिस द सजेशन एज ट्रिवियल। उसने क्या बोला, नहीं नहीं छोटी सी बात है, चलो ठीक है, फ्रीडम मिला कोई बात नहीं, कूल शांत, अभी नहीं, 13 दिन 12 दिन अभी रुको, गेस्ट आएंगे, डेड बॉडी आएगी, बहुत काम है, समझ गए, मेरे को समझा रहे। सी न्यू दैट सी वुड वीप अगेन। उसको मालूम उसको एक बार और रोना है, कब रोना, जब डेड बॉडी आएगा, ऑब्वियसली डेड बॉडी रोना पड़ेगा भाई। When she saw the kind tender hands folded in death, the face that had never looked safe with love upon her, fixed and grey and dead, उस चेहरा को जिसने कभी भी उसको प्यार से नहीं देखा था, अब उसका डेथ का चेहरा वो देखेगी, अपना हस्बैंड का डेड बॉडी देखेगी, वो चेहरा जिसने कभी भी उसको इतना प्यार नहीं किया। एक्चुअली शी वाज हैविंग अ ट्रबल मैरिज, शी वाज नॉट वेरी हैप्पी विद हर हस्बैंड, लेकिन वो फंसी हुई थी ना मैरिज।
बट सी सॉ बियॉन्ड दैट बिटर मोमेंट ऑफ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ इयर्स टू कम. उसको क्या लग रहा है, ये तो कुछ दिन का बात है, ऐसा तो होना ही है, डेड बॉडी आएगा, रिचुअल्स होंगे, रिलेटिव्स आएंगे, कुछ सालों तक, दो महीना छह महीना तक लोग बोलेंगे भी, बातें भी करेंगे, लेकिन इसके बाद मर्सिडीज मेरा है, घर मेरा है, मैं अकेली, सारा प्रॉपर्टी मेरा है. और सबसे बड़ा बात, सी वॉज नॉट अ कैरेक्टरलेस वुमन बट सी वॉज अ डिप्रेस्ड वुमन. माने ऐसा नहीं है कि उसको उसके हस्बैंड का मरने का बहुत दर्द है, लेकिन एक्चुअली जो राइटर बोलना चाह रहा है, अपन उसको अदर वे पे लेके जाए, राइटर ये बताना चाह रहा है कि सी वॉज नॉट हैविंग अ गुड लाइफ. उसको लग रहा था यार ये जिंदगी से अच्छा, बोलते ना अपन, बोलता ना इस जिंदगी से अच्छा तो मर जाए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब उसकी जो जिंदगी है उसके हस्बैंड के बिना उसको लगता है बेटर जिंदगी उसके पास आने वाली है. ठीक है. And she opened and spread her arms out to them in welcome. और वो कहीं ना कहीं उसका दिल पूरा उस नई लाइफ को वेलकम कर रहा था कि आओ, I want a new life. ठीक है. There would be no one to live for her. अब बोल रहा है, there would be no one to live for her during those coming years. अब उसको किसी के लिए नहीं जीना, अब उसको किसके लिए जीना है, सिर्फ अपने लिए जीना. हम लोग की मम्मी लोग का लाइफ देखो ना, सुबह उठो तो उसके लिए स्कूल जाएगा बच्चा, लो नाश्ता बनाओ, फिर थोड़ा सा लेट हो जाए पापा के लिए खाना बनाओ, फिर दोपहर में बच्चा लो स्कूल जाएगा उनके लिए खाना बनाओ, फिर शाम को सबके लिए खाना बनाओ, फिर शाम को किसी के लिए खाना. कैसे उनका लाइफ पूरा फंस गया ना, और वो लोग इस लाइफ से निकल भी नहीं पाते. और हम लोग भी इतने इग्नोरेंट है ना, हम बोलना भी चाहिए मेरे को, हम लोग बच्चे लोग भी इतने इग्नोरेंट है कि हम लोग कभी सोचते भी नहीं कि मम्मी लोगों को कितना तकलीफ होता होगा. अरे कम से कम खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाओ यार, कभी खुद भी खाना बना लो यार. लेकिन हम लोग मम्मी पानी दो, मम्मी ये दो, मम्मी खाना में ये नहीं, मम्मी वो, तो हम लोग ने उनका लाइफ को कितना खराब कर दिया. और सबसे बड़ा आयरनी क्या है, वो लोग फंसे हुए इसके अंदर. हम तो सीरियसली बोलते हैं, अगर हम लोग अपनी मम्मी से सीरियसली कभी अकेले में दिल की बात करें ना, और उनको ये बोलने होता है ना, वो गेम होता है ना, ट्रू एंड कौन सा गेम होता है, ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलेगा, मम्मी लोग को बोले रूल समझाएं और बोले मम्मी आप सच बोलना, आर यू हैप्पी विद योर लाइफ, तो 80% मदर ये बोलेगी कि हाँ वी आर हैप्पी, बट उनका इंडिविजुअलिटी खत्म हो गया. अगर इंडिविजुअलिटी का बात करेंगे, उनका लाइफ तो है ही नहीं, अब वो फैमिली लाइफ हो गया, उनका लाइफ पूरा खत्म हो गया. ये हम लोग का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं वो एक लोग चाहते हैं फ्री होना, तो इसको भी वो फ्रीडम अभी मिल रहा है. बोल रहा है आई डोंट हैव टू लिव फॉर एनीबॉडी, अब मैं किसी के लिए नहीं, मेरे को जीना है. देयर वुड बी नो वन टू लिव फॉर हर ड्यूरिंग दोस कमिंग इयर्स, शी वुड लिव फॉर हरसेल्फ. ममता से पूछो, ममता वांट्स टू लिव फॉर हरसेल्फ, राइट. देयर वुड बी नो पावरफुल विल बेंडिंग हर, देयर विल बी नो पावरफुल विल बेंडिंग, अब उसके ऊपर कोई कमांड या कोई ऑर्डर नहीं चलाएगा. In that blind persistence with which men and women believe they have a right to impose a private will upon a fellow creature, ये बहुत important बात है. शादी के बाद क्या होता है, husband लोगों को लगता है कि नहीं, जो मैं बोलूँ wife को करना होगा. कभी-कभी wife का भी ऐसा होता है, तुम कहीं घूमने नहीं जाएगा, जाएगा तो हमको लेके जाना पड़ेगा. दोनों तरफ है, it's both way round. लड़का लोग के भी बहुत सारा बंदिशेस होती है और लड़कियों के भी बहुत सारी बंदिशेस. हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, माने हम लोगों ने एक तो अनबोला हुआ अनसेट एक तो रूल बन जाता है, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस. लड़की भी बोल देती है लड़का को, तो अपना फ्रेंड के साथ बाहर नहीं जा सकता, और लड़का ने बोलता है नहीं तो अपने फ्रेंड के साथ तुम बाहर नहीं जा सकते. तो हम लोग ने एक दूसरे का विल को रोक के रखा हुआ है. अ काइंड इंटेंशन और क्रूअल इंटेंशन मेड द एक्ट सीम सो नो लेस अ क्राइम एज ही लिफ्ट अपॉन इट इन दैट ब्रीफ मोमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन. लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि ये जो चीज है, इट इज अ एक्ट ऑफ क्राइम. इसको ये अच्छा भी नहीं लग रहा है, और कहीं ना कहीं वो ये चाहती है, उसको फ्रीडम भी चाहिए. And yet she had loved him sometimes. जो कितना चल लाइन बोला है, and yet she had loved him sometimes. शादी हुआ है भाई, कभी ना कभी तो प्यार भी आता है हस्बैंड के ऊपर, ऐसा क्या बात है. Often she had not. लेकिन often she had not. माने कभी कभी प्यार आता है, लेकिन most of the time उसको प्यार नहीं आता. माने 60-40 का रेशियो या 75-25 against पे. तो she was not having a good married life. What did it matter? What could love the unsolved mystery count for in the face of this possession of self-assertion? While she suddenly recognized as the strongest impulse of her being. लेकिन अब ये सब लव का बात क्या फायदा रखता है? अब तो नया आजादी, नया देश है, नई उमंदे, अब है नई कहानी, हम हिंदुस्तानी. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी. ठीक है, फ्री बॉडी एंड सोल फ्री. अब मेरा क्या हो गया, मेरा बॉडी भी फ्री है, सोल भी फ्री है. अब किसी का प्रतिबंध नहीं है मेरे पर, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मेरे पर, जो मैं करना चाहूंगी वो मैं करूंगी. सी कैप स्प्रिंग ऑफ नाम को बोलिए, वाह फ्री. खाली ऐसे करना बाकी रह गया. ठीक है, अब बेचारी जो बहन है ना, वो बोले इसको क्या हुआ अंदर, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं चली गई, सुसाइड तो नहीं कर लेगी, पंखा से तो नहीं लटक जाएगी. तो वो क्या कर रही थी ना, वो की होल से झांक रही थी जाके बैठ के. ऐसा होता ना, बोले दीदी गेट खोलो ना, दीदी दीदी अपनी तबीयत खराब कर लोगी, दीदी सीरियस मतलब अपनी तबीयत खराब कर लोगी, दीदी दीदी दीदी. तो चिल्ला रही है जोसेफीन जो है बाहर बैठ के, वाज नीलिंग बिफोर द क्लोज डोर विद हर लिप्स टू द की होल. वो अपना एकदम की होल से देख रही है, इम्प्लोरिंग फॉर एडमिशन, और बोल रही है अरे मुझे आने दो, अकेले मत रहो, अकेला रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इतना मत रो. वो रो रही थी.
तो खुश हो रही दीदी, ठीक है ठीक है। लुईस ओपन द डोर, आई बैक ओपन द डोर, यू विल मेक योरसेल्फ इल, बीमार हो जाओगी। व्हाट आर यू डूइंग लुईस, फॉर हेवन सेक ओपन द डोर, मुझे आने दो, कुछ पी लो, खाना खा लो। तो लुईस क्या बोले, गो अवे, बक गो अवे, आई एम नॉट मेकिंग मायसेल्फ इल। नो, सी वाज ड्रिंकिंग इन अ वेरी से इन अ वेरी एलिक्सर ऑफ लाइफ थ्रू दैट ओपन विंडो। लेकिन वो तो मैजिक पी रही थी, उसको तो अमृत मिल रहा था, वो अपने लाइफ का मोस्ट अच्छा अमृत पी रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कोई मेडिसिन मिल गया, उसका लाइफ कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। हर फैंसी वाज रनिंग राइट अलोंग दोस डेज अहेड ऑफ अस, उसका जो फैंसी है ना उसमें तो लड़ाई हो रहा है, ये करूंगी, मॉल जाऊंगी, वहां जाऊंगी, ये वो है, हॉलीडेज मनाऊंगी, स्प्रिंग डेज एंड समर डेज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डेज दैट वुड बी हर ओन। अब सारा दिन उसका होगा, विंटर उसके, समर उसके, समर्स में जाऊंगी हिल स्टेशन पे, विंटर्स में जाऊंगी बीच के पास में, यहाँ जाऊंगी, सब प्लानिंग चल रहा है। सी ब्रेथेड द क्वाइट क्विक प्रेयर दैट लाइफ माइट बी लॉन्ग। अब बोली, हे भगवान मुझे लंबी उम्र देना। इससे पहले वो मरना चाह रहे थे, हार्ट डिजीज भी था उसके, लेकिन अभी वो क्या बोले, भगवान गिव मी लॉन्ग लाइफ, अब मैं आराम से जीना चाहती हूँ। इट वॉज ओनली येस्टरडे सी हैड थॉट विद अ शडर द लाइफ माइट बी लॉन्ग। तो एक दिन पहले क्या सोच रही थी, भगवान जल्दी उठाओ, मेरे को ये जीवन नहीं चाहिए, मेरा जीवन बहुत बेकार है, मर जाऊं तो अच्छा है। लेकिन एक दिन बाद क्या बोल रही है कि मुझे लंबा जिंदगी दो, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड इन माई लाइफ नाउ। फिर बहुत देर के बाद बेचारी भाव उठकर खड़ी हो गई, सी अरोज एट लेंथ एंड ओपन द डोर। बाहर कौन खड़ी है, जोसेफिन, दीदी आप बीमार हो गए दीदी दीदी। सी ओपन द डोर टू हर सिस्टर्स इम्पॉर्चुनिटीज, माने उसकी सिस्टर बाहर उसको बुला रही थी ना, तो वो खोली उसको। There was a feverish triumph in eyes, और उसकी आँख में जीत की खुशी थी। कैसे बनाएंगे आँख? I don't know how to yeah. I am a winner, जीत गई मैं। And she carried herself unwittingly like a goddess of victory, और चल भी ऐसे रही थी, goddess of victory की तरह कि मैंने जीत हासिल कर ली। It's a new morning, it's a new dawn. She clasped her sister's waist, अपने सिस्टर का वेस्ट पकड़ी, and together they descended the stairs. दोनों बहनें उतर रही हैं, और ये उतरने लगा goddess. ठीक है, रिचर्ड बेचारा वहीं खड़ा, रिचर्ड स्टूड वेटिंग फॉर देम एट द बॉटम। रिचर्ड कौन है, उसके पिता फ्रेंड जो जिसने न्यूज लेकर आया, वो नीचे खड़ा, अभी दोनों ऊपर स्टेयर्स उतर रही है। इमेजिन कर रहे हो, दोनों स्टेयर्स से उतर रही है, बहन एक बहन ऐसे विक्ट्री, और दूसरी बेचारी इसको क्या होगा। ठीक है, हाउ लकी, इतना मर गया मेरा जिंदा है। ठीक है, ऐसे करके उतर रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सीन चेंज हो रहा है। समवन वाज ओपनिंग द फ्रंट डोर विद अ लैच की, लैच की मतलब बाहर का दरवाजा का जो चाबी होता है, डुप्लीकेट चाबी बोल सकते हैं, कोई दरवाजा खोल रहा है विद अ लैच की। ठीक है, इट वाज ब्रेंटली मलार्ड, कौन है, उसका हस्बैंड। और ये क्या सपना देख रही थी, मर गया पिंड कटोर। ठीक है, ये एकदम छूट गया। लेकिन वो क्या बोल रहा है, अभी अचानक क्या उसका हस्बैंड एंटर कर रहा है, हु एंटर्ड A little travel stained. अब वो क्या, उसको पूरा मैंने बेचारा थक क्या आया है, हार क्या आया, मट्टी उट्टी लगा हुआ है, कपड़े पूरे गंदे, एकदम स्वेटिंग होकर रखा हुआ है। Composedly carrying his grip sack and umbrella, अपना अम्ब्रेला संभालते हुए एंटर कर रहा है। He had been far from the scene of accident. वो तो वहां गया ही नहीं था ट्रेन में, एक्सीडेंट हुआ भी था इसको पता ही नहीं है। क्या समझी, he was far from the scene of accident and did not even know there had been one. उसको तो ये भी नहीं मालूम कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो अपना पता नहीं कहां से क्या बोलकर गया और कहां से आ रहा है वो। और दोनों बहनें देख रही हैं भूत। ठीक है, he stood amazed at Josephine's piercing cry. और जो जोसेफिन उस लाइक भूत करके चिल्लाई जोर से, क्योंकि उसको तो कंफर्म ही उसका मतलब ये कौन आ गया। ठीक है, ठीक है। और रिचर्ड क्या किया, रिचर्ड जो था वो जानबूझ के सोचा कि मैं इसके आगे आगे खड़ा हो जाता, अगर उसके आगे आगे खड़ा हो जाएगा तो एक बार में व्यू नहीं आएगा, लेकिन जब तक वो आगे खड़ा होता तब तक तो जोसेफिन ने भी देख लिया और लुईस ने भी उसको देख लिया। ठीक है, तो ये बहन तो चीख पड़ी। ठीक है, दूसरी वाली बहन का क्या हुआ, ठीक है, टू स्क्रीन हिम फ्रॉम द व्यू ऑफ हिज वाइफ, बट रिचर्ड वॉज टू लेट। रिचर्ड को बहुत देरी हो गया, उसने बहुत लेट कर दिया करने के लिए। नाउ द फाइनल लाइन ऑफ द प्ले इज कमिंग, व्हेन द डॉक्टर केम दे सेड सी डाइड ऑफ अ हार्ट डिजीज। कौन मर गया, लुईस मर गई। बोली इसको दिल का दौरा पड़ा है, अब आज तक नहीं पता वो दौरा खुशी का था कि गम का था। वो अपने हस्बैंड को देख के इतनी खुश हो गई कि वो मर गई, कि वो अपने हस्बैंड को देख के इतनी दुखी हो गई कि वो मर गई। डॉक्टर्स लोग को ये नहीं पता, लेकिन डॉक्टर्स लोग को ये पता है कि शी डाइड ऑफ अ हार्ट डिजीज। लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला, अ जॉय दैट किल्स, डॉक्टर क्या बोल रहा है, खुशी से मर गई बेचारी,
उसको पता था उसका हस्बैंड मर गया, लेकिन जैसे उसको मालूम पड़ा कि उसका हस्बैंड जिंदा है, वो इतनी खुश हुई कि वो मर गई। लेकिन गलत लिखा है वो। लेकिन डाउट है भाई इस बात का। ठीक है, सो दिस वाज द स्टोरी, वेरी नाइस स्टोरी, और छोटा सा स्टोरी है तो आप लोग कर सकते हैं इसको। हम लोग और भी स्टोरी को पोस्ट करेंगे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड फॉलो।